हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ आईटी। तो आईटी का अगर हम एप्लीकेशन देखें, एप्लीकेशन मीन्स यूजेस ऑफ आईटी, तो आज डेली लाइफ से लेकर हर एक फील्ड में आईटी का यूज़ किया जा रहा है। तो इसका मतलब आईटी का जो यूज़ है आज हर एक फील्ड में, चाहे वो बिजनेस पर्पस हो, बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, एजुकेशन हो, मार्केटिंग हो, हेल्थ केयर हो, इंजीनियरिंग डिज़ाइन हो, चाहे मिलिट्री हो, चाहे कम्युनिकेशन हो, चाहे एनिमेशन हो, रिसर्च हो, एग्रीकल्चर हो, गवर्नमेंट हो, हर जगह जो है आज आईटी का यूज़ किया जा रहा है। तो एक एक करके हम सारे टॉपिक के बारे में जानेंगे कि सपोज जो है बिजनेस में यूज़ किया जा रहा है तो कैसे यूज़ किया जा रहा है, बैंकिंग में यूज़ किया जा रहा है तो कैसे यूज़ किया जा रहा है, इंश्योरेंस में यूज़ किया जा रहा है तो कैसे यूज़ किया जा रहा है। तो जनरली जो है आज हर एक फील्ड में आईटी का, इसीलिए हम जो आज का जो काम है वो क्या हो गया, स्मार्ट वर्किंग हो गया है। हार्ड वर्किंग की जगह क्या हो गया, स्मार्ट वर्किंग। तो ये किसके थ्रू हो पाया है, आईटी के कारण ही हो पाया कि हम कम समय में सारे काम को, जो हार्ड वर्क पहले करना पड़ता था, वो कम समय में सारे काम को कर पा रहे। तो चलिए एक एक टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहला आईटी इन होम कंप्यूटिंग, कि जैसे जो होम में जो कंप्यूटर यूज़ किया जाता है उसको बोला जाता है पर्सनल कंप्यूटर, इज यूज वर्क एट होम। हर एक आज ऐसा हो गया है कि जैसे घर में एक मोबाइल होता है, वैसे ही हर एक के घर में आज पर्सनल कंप्यूटर होते जा रहा है। नहीं है तो आने वाले समय में होते जाएगा। और पर्सनल कंप्यूटर के थ्रू क्या किया जाएगा, हाउस होल्ड अकाउंटिंग किया जाएगा, यानी घर का जो से रिलेटेड जो अकाउंटिंग का काम जो है कंप्यूटर में आप कर सकते हैं। साथ ही साथ प्ले गेम कर सकते हैं, यानी गेम खेल सकते हैं। सर्फ द वेब, यानी इसका मतलब इंटरनेट को सर्च करने को ही क्या बोला जाता है, सर्फ ऑफ वेब बोला जाता है, सर्फ द वेब। इसके अलावा जो है यूज़ ईमेल के लिए किया जाता है। क्रिएट म्यूजिक, म्यूज़िक क्रिएट करने के लिए आप घर बैठे भी, अगर आपको अच्छा म्यूज़िक आता है तो आप घर बैठे भी म्यूज़िक क्रिएट किया जा सकता है। साथ ही साथ जो है पर्पस ए रेंज ऑफ अदर हॉबीज़, ठीक है, अदर हॉबीज़, जैसे किसी को वीडियो गेम खेलना है, साथ ही साथ किसी को वीडियो गेम में जैसे पजल है, उसके अलावा कई सारे गेम को घर बैठे क्या कर सकते हैं, बच्चे से लेकर घर का जो हर एक मेंबर जो है आज घर में जो है आईटी का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट यूज़ आ गया आपका आईटी इन होम कंप्यूटिंग, यानी आईटी का सबसे पहले यूज़ कहाँ पे किया जा रहा है, होम में किया जा रहा है। सेकेंड, आईटी इन एवरीडे लाइफ, हर एक आज हम मैंने बताया था कि एवरीडे लाइफ में आप देखे होंगे तो सारे डिवाइसेस आज स्मार्ट डिवाइसेस बना रहे हैं, जैसे जो आप माइक्रोवेव ओवन देखते हैं, फ्रिज देखते हैं, वॉशिंग मशीन देखते हैं, तो उसके अंदर भी किसका यूज़ किया गया, आईटी का यूज़ किया गया है। उसके अंदर भी कुछ सॉफ्टवेयर डाले गए हैं, जैसे माइक्रोवेव ओवन के अंदर एक टाइमिंग सेट करते हैं तो उस टाइमिंग के अंदर वो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। वैसे हम जो फ्रिज रहता है, फ्रिज में कूलिंग को कम ज़्यादा किया जा सकता है, ठीक है। वॉशिंग मशीन रहता है, टाइमर सेट कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर है जो उसको एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, या फिर आप जो टाइम सेट कर रहे हैं उसमें, जब आप फ्रिज यूज़ कर रहे हैं उसमें कूलिंग को सेट करने के लिए सॉफ्टवेयर ऑलरेडी उसमें क्या रहता है, फिट रहता है, जिससे हम क्या कर पाते हैं, उस डिवाइसेस को कंट्रोल कर पाते हैं। तो हर एक आज जो एवरीडे लाइफ में जो डिवाइसेस यूज़ हो रहे हैं वो भी किसके थ्रू मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं, आईटी टेक्निक के थ्रू जो है क्या हो रहा है, डिज़ाइन किया जा रहा है। नेक्स्ट, आईटी इन लाइब्रेरी, जैसे आपको यहाँ पे एक लाइब्रेरी शो हो रहा होगा, तो आज जो है आप लाइब्रेरी, जो बड़े बड़े जो डेवलप्ड लाइब्रेरी हैं वहाँ पे जाएंगे तो स्टडी करने के लिए तो वहाँ पे बुक रहता ही है, लेकिन मैंने आपको बताया था उस दिन भी प्रीवियस क्लास में कि कई बार आपको बुक पढ़ने में क्या लगता है कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पे आपको उस लाइब्रेरी का आप क्या कर सकते हैं, मेम्बरशिप लेके और वहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हैं, बुक को इशू करके पढ़ भी सकते हैं। साथ ही साथ वहाँ पे आप ऑलरेडी जो है कंप्यूटर के थ्रू भी स्टडी किया जा सकता है, जिसको ई बुक बोलते हैं, ठीक है। ई बुक के थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं, बुक को स्टडी किया जा सकता है, जिससे आपको इंटरेक्टिव वे में आप स्टडी कर सकते हैं। और इसका जो मेंटेनेंस है वो भी किसके थ्रू किया जाएगा, कंप्यूटर के थ्रू किया जाएगा, कि कितने कितना बुक ले गया है, कितना बुक बाकी है, ये सारा भी किसके थ्रू किया जाएगा, ये कंप्यूटराइज्ड किया जाएगा, जिससे क्या होगा, जैसे अगर ह्यूमन करता है तो हो सकता है कि उससे कोई मिस्टेक हो, लेकिन लाइब्रेरी में अगर कंप्यूटर के थ्रू ये सारा चीज़ ट्रैक किया जा रहा है तो पता चल पाता है कि लाइब्रेरी में कितने बुक है, कितने इशू हुए हैं, कितने क्या हुए, सबमिट हुए हैं। तो आज लाइब्रेरी को भी क्या किया गया है, कंप्यूटराइज्ड किया जा रहा है। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, तो आईटी इन वर्क स्पेस,
वर्क स्पेस का मतलब अगर आप देखे होंगे कई सारे ऑफिसेस में, आज जो जहाँ पे ऑफिस है वहाँ पे आप चले, आज से अगर 20 साल पहले अगर बैंक को देखा जाए तो बैंक का काम करने का तरीका क्या था कि वहाँ बड़े बड़े फाइल होते थे, फाइल में सारा चीज कस्टमर का अकाउंट नंबर से लेकर सारा उससे रिलेटेड जो का ट्रांजेक्शन है उसको क्या किया जाता था, उसमें नोट किया जाता था। तो इससे क्या होता था कि उसमें कई बार जो है वो एंट्री करने में मिस्टेक, या फिर कई बार ह्यूमन अगर लिखेगा तो कई बार डिजिट में कई बार मिस्टेक आ जाता था। तो इफेक्टिव वे में उसको करने के लिए किसका यूज़ किया गया है, किसका यूज़ किया जा रहा है, आईटी का यूज़ किया जा रहा है, जिससे क्या हो पाया है कि कंप्यूटर में जो काम है वो क्या किया जा सकता है, इफिशेंसी के साथ किया जा सकता है। आज अगर एक दिन में बैंक में जाते हैं तो सैकड़ों कस्टमर को एक दिन में उसे लेन देन ट्रांजेक्शन किया जा सकता है, लेकिन एंशियंट टाइम में ऐसा नहीं था कि उसमें कम कस्टमर होने के बाद भी उनको बहुत टाइम लग जाता था, और इसमें जो है मिस्टेक होने की भी चांसेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। फिर उसके बाद आता है आईटी इन एजुकेशन। एजुकेशन कहीं ना कहीं आज अगर हम स्टडी कर पा रहे हैं तो ये आईटी इन एजुकेशन के थ्रू ही पॉसिबल हो पाया है। कोई ना कोई टेक्निक का हम यूज़ करना है तभी हम घर बैठे आपसे क्या कर पा रहे हैं, इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। तो कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर द एक्सट्रीमली यूज्ड इन द एजुकेशन फॉर द टीचिंग लर्निंग एंड असेसमेंट। यानी आज के समय में टीचिंग लर्निंग और कोई असेसमेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, तो ये सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर टेक्नोलॉजी के थ्रू ही पॉसिबल हो पाया है, जिसमें हम कोई भी चीज़ क्रिएट करके उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट किया जा सकता है, और वेरियस फॉर्म में हम उसको पिक्चर के फॉर्म में सेंड कर सकते हैं आपको, ऑडियो के फॉर्म में, वीडियो के फॉर्म में, एनिमेशन के फॉर्म में, लर्नर को क्या किया जाता है सेट किया जाता है जिससे वो इजी समझ पाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सारे यूज़र जो है यहाँ पे लैपटॉप लेके पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, और साथ ही साथ यहाँ पे जो टीचर जो इंटरेक्ट कर रहा है वो क्या कर रहा है, एक प्रोजेक्टर के थ्रू जो है यहाँ पे एक स्क्रीन शो हो रहा है, या मॉनिटर के थ्रू जो है स्क्रीन शो हो रहा है, जिससे स्मार्ट क्लास के थ्रू सारे स्टूडेंट जो है अच्छे से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, और साथ ही साथ किसी भी कॉन्सेप्ट को इजिली वो समझ पा रहे हैं। तो एक बेटर वे होता है किसी भी टीचर को अपने स्टूडेंट को समझाने का कि वो कम समय में सारे टॉपिक को समझाए। तो ये आईटी इन एजुकेशन के थ्रू क्या किया जा सकता है, पॉसिबल है। अब लेकिन आईटी इन एजुकेशन को कई सारे टेक्नोलॉजी में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जैसे कई सारे सेक्टर में डिवाइड किया गया है। तो हमने पहला चीज़ तो अभी तक एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा, कि सबसे पहला यूज़ हमने देखा आईटी इन होम कंप्यूटिंग के बारे में जाना कि आईटी का यूज़ होम में किया जा रहा है। फिर उसके बाद आईटी इन डेली एवरीडे लाइफ से रिलेटेड जितने भी डिवाइसेस हम मोबाइल भी यूज़ कर रहे हैं वो भी आईटी इन एवरीडे लाइफ में आएगा। आईटी इन लाइब्रेरी, लाइब्रेरी में आज मॉडर्न लाइब्रेरी तैयार किया जा रहा है जिसमें सारा चीज़ ट्रैकिंग किसके थ्रू किया जा रहा है, ये लाइब्रेरी को जो है कंप्यूटर के थ्रू या कंप्यूटराइज्ड ट्रैक किया जा रहा है। नेक्स्ट आईटी एट वर्क स्पेस, इसके बारे में हमने जाना, वर्क स्पेस यानी जहाँ पे ऑफिसेस है वहाँ पे भी आज आईटी के जो है कंप्यूटराइज्ड किया गया है, ताकि अच्छे एफिशिएंसी के साथ साथ और साथ ही साथ एक्यूरेट जो है डेटा उनके पास रह सके। फिर उसके बाद एजुकेशन के बारे में हमने देखा कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है टीचर जो है कोई डेटा कंटेंट तैयार करता है और उसको स्टूडेंट को क्या करता है, ट्रांसमिट कर रहा है। तो ये भी एक टेक्निक है इंफॉर्मेशन को क्या करने का, बच्चे को पढ़ाने का, कि आईटी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एजुकेशन प्रोवाइड करा सकते हैं। अब यहाँ पे समझना पड़ेगा कि आईटी के अंदर भी कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे आईसीटी इन क्लासरूम। जैसे अब हम जो एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं वो कई तरीके से हो सकते हैं। एक क्लासरूम यानी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन क्लासरूम, क्लासरूम में कैसे क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ किया जा सकता है। जैसे ई लर्निंग क्लासरूम, ई लर्निंग क्लासरूम में क्या क्या हो सकता है, स्मार्ट बोर्ड प्रेजेंटेशन हो सकता है, वीडियो ऑन द एक्सपेरिमेंट, आप जो साइंस से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट अगर करते हैं तो आपको पहले से एक वीडियो दिखा दिया जाए कि आपको क्या क्या करना है, ताकि अगर लैब में जाके आप जो एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें कोई क्या ना हो, मिस्टेक ना हो। ठीक है, जैसे मैं कंप्यूटर लैब ही ले जाता हूँ तो पहले एक बार प्रैक्टिकल करके खुद से बताता हूँ। क्यों बताता हूँ, ताकि आप जब नेक्स्ट टाइम प्रैक्टिकल करें तो आपसे मिस्टेक कम से कम हो। ऐसा नहीं आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं मिस्टेक तो होगा, लेकिन आप एक बार अच्छे से समझ जाए रहेंगे तो एक्सपेरिमेंट करने में आपको इजी होगा। नेक्स्ट डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑफ मैगजीन, कि आपको क्या कर दिया जाएगा कि सपोज यहाँ पे आप इमेज देख रहे होंगे, अगर टीचर चाहे तो पूरे
जो लैपटॉप है उसमें सेम स्क्रीन प्रोवाइड कराएगा, जिससे क्या कर पाएंगे एक समय में, ये समझो कि ये बुक हो जाएगा फिर, कि आप जैसे बुक की स्टडी करते थे एक पर्टिकुलर पेज सबको शो होगा, जैसे अभी आपको शो हो रहा होगा कि ये पर्टिकुलर पेज आपके सामने आ रहा हो। तो पब्लिशिंग ए मैगजीन लेटर और डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड किया जा सकता है स्मार्ट क्लास के थ्रू। एजुकेशनल गेम, अब जरूरी नहीं है कि गेम आपका केवल टाइम पास ही करता है, कई सारे एजुकेशनल गेम होते हैं वो प्रोवाइड किया कराया जा सकता है, जिससे आपका माइंड लेवल क्या हो, इंक्रीज हो। तो ये भी आईसीटी का ही के कारण ही पॉसिबल हो पाया कि एजुकेशनल गेम अगर पूछा जाए तो ये भी इसके थ्रू हो पाया है, जो है एप्लीकेशन ऑफ आईटी के थ्रू ही हो पाया है। नेक्स्ट, गैदरिंग एजुकेशनल इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, जैसे अभी हम गैदरिंग हुए हैं इंटरनेट के थ्रू, क्या हुए हैं, इकट्ठा हुए हैं, और अब सब अपने घर में रह के भी एजुकेशन को क्या कर पा रहे हैं, एक्सेस कर पा रहे हैं, तो ये भी किसके थ्रू है, आईसीटी इन क्लासरूम के अंतर्गत आता है। दूसरा, यहीं पे बी टॉपिक हम देखते हैं, एजुकेशन एवरीवेयर एनी एवरी टाइम। अब गवर्नमेंट का कहना ये है कि एनसीईआरटी, आप जो सीबीएसई जो पैटर्न फॉलो करती है वो है एनसीईआरटी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक वेबसाइट प्रोवाइड कराया है ई पाठशाला .nic.in, और इसी का क्या किया है, उन्होंने मोबाइल ऐप्स भी प्रोवाइड कराया है, और इसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, कहीं पे भी रह के जो है इस ये सारे बुक को, एनसीईआरटी के सारे बुक को ऑनलाइन आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ई पाठशाला के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, एनी वेयर एनी टाइम स्टडी किया जा सकता है, आप बुक को क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें कई सारे वेबसाइट भी हैं, ये जरूरी है कि ई पाठशाला, इसके अलावा कई सारे वेबसाइट, कई सारे ऐप्स हैं जिससे आप ऑनलाइन कहीं पे भी स्टडी किया जा सकता है। अब टीचर के लिए क्या प्रोवाइड किया गया है, टीचिंग एड्स एंड मीडिया, जैसे टीचर को क्या करना है, कोई टॉपिक को एक्सप्लेन करना है, तो जरूरी नहीं है कि हर बात को बोल के ही बोलें कि समझाया जाए तभी आप समझ पाएंगे। कई बार हो सकता है कि टीचर जो है पिक्चर का क्या करेगा, यूज़ करेगा, कभी वो एनिमेशन का यूज़ करेगा, कभी वो ऑडियो विजुअल का यूज़ करेगा, कभी कुछ सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ डिफरेंट जो है एक्सप्लेनेशन का प्रयोग करेगा, कि हो सकता है कि कुछ दो तीन स्टूडेंट को सामने लाएगा और उसके थ्रू एक्सप्लेन करता है, तो ऐसे क्या कर पाता है कि वो अपने लेसन को इंटरेक्टिंग वे में स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर पाता है, ठीक है। ये सारे टॉपिक दिए हैं इसलिए मेरे को इसको एक्सप्लेन करना पड़ रहा है कि ये जो है आईटी के अंदर ये सारे टॉपिक आते हैं, यानी जो टेक्निक से आप क्या कर पाएँ, स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं वो इन्फॉर्मेशन कहलाता है। तो वो सारे टेक्निक जिससे स्टूडेंट टीचर जो है स्टूडेंट को एक्सप्लेन करे, ठीक है, तो ये टीचिंग एड्स का यूज़ करके क्या कर सकता है, टीचर जो है स्टूडेंट को बेटर वे में एक्सप्लेन कर सकता है। नेक्स्ट, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब होता है बींग यूज बाय द मेनी कंट्री टू मैनेज द स्कूल सिस्टम। अब क्या होता है, कई सारे इंटरनेशनल स्कूल होते हैं, और इंटरनेशनल स्कूल में क्या होते हैं कि उसका मैनेज करने वाला एक पर्सन रहेगा, तो वो सारे स्कूल को मैनेज करना है तो वो क्या करेंगे, लर्निंग मैनेजमेंट इस सिस्टम का यूज़ करेगा। और वहाँ पे जैसे सपोज एक यहाँ पे इंडिया का पर्सन है, वो उसका उन्होंने क्या किया, कई सारे कंट्रीज में उन्होंने स्कूल डाला, अब वो स्कूल को क्या करेगा, मैनेज करना चाह रहा है, तो वो करेगा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़। इसके थ्रू क्या कर सकता है, वो किसी सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकता है, ठीक है। साथ ही साथ अगर वो चाहता है कि वो सपोज इंडिया का जो वो मेम्बर है या इंडिया का टीचर जो है किसी अदर कंट्री या ब्रिटेन में जो उसका स्कूल है वहाँ पे वो पढ़ाना चाह रहा है, तो वो क्या कर सकता है, यहाँ से भी उनको स्टडी करा सकता है। तो ये किसके थ्रू हो पाएगा, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू क्या किया जा सकता है, इसको मैनेज किया जा सकता है, ठीक है। तो इससे क्या साथ ही साथ इससे क्या किया जा सकता है कि सपोज़ हमारा स्कूल है तो चाहते हैं कि पेरेंट्स को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो हमारे पास क्या साधन है कि हम क्या करते हैं, मोबाइल से मैसेज कर देते हैं, व्हाट्सएप से मैसेज कर देते हैं, ठीक है। तो इसी को क्या कर सकते हैं, एक वीडियो मैसेज के थ्रू भी क्या करते हैं, अगर सेंड करते हैं तो इससे भी क्या पर पता चल पाएगा, पेरेंट्स को मैसेज सेंड कर दिया जा सकता है। साथ ही साथ जो है पेरेंट्स के साथ हम क्या कर पाएंगे, इंटरेक्ट कर पाएंगे कि आपका बच्चा पढ़ने में कैसा है, कि घर में पढ़ता है कि नहीं, होमवर्क करता है कि नहीं, कितना समय पढ़ता है, ये सारा इन्फॉर्मेशन भी टीचर क्या कर सकता है, पेरेंट्स के थ्रू ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू कम समय में। वही चीज़ अगर हम पेरेंट्स को बोलेंगे कि स्कूल में आके आप मिलो तो टाइम लग सकता है, लेकिन अगर हम आईटी का यूज़ करके लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ करें तो पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, हमको घर बैठे इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो मोबाइल भी उसका एक साधन है कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में काम कर रहे हैं,
कि पेरेंट्स हमसे अगर बात करते हैं कि टीचर से बात करते हैं कि मेरा बच्चा जो है घर में स्टडी नहीं करता, नहीं पढ़ता है, तो आज मोबाइल को भी बोला जाए तो वो भी लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का एक क्या है, तरीका है। नेक्स्ट आते हैं आईटी इन इंटरटेनमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है आईटी का यूज जो है इंटरटेनमेंट पर्पस के लिए, जैसे आपको यहाँ पे इमेज शो हो रहा होगा। तो ये क्या कर रहे हैं कुछ लोग जो है, या फिर एंशियंट टाइम में आप देखते रहे होंगे कि सारे लोग मिल के क्या करते थे, किसी मोहल्ले या फिर गली में, या फिर आप जो मूवी देखने जाते हैं सिनेमा में, वो भी क्या है कि इंटरटेनमेंट का साधन है, कि आप क्या कर पाते हैं, इंटरटेनमेंट किया जा सकता है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू ये पॉसिबल हो पाया है कि हम क्या इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री क्या हो पाया है, बढ़ गया है। आज जो मूवी जो आपको एक्सेस करते हैं, ठीक है, तो वो सैटेलाइट के थ्रू आता है, तो सैटेलाइट भी कहीं ना कहीं आईटी इंडस्ट्री के अंदर ही आता है, जिसमें आपको साउंड क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी आपको हाई डेफिनेशन में आपको देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ आपको कई सारे वेबसाइट के थ्रू आप इंटरनेट को आप कोई मूवी डाउनलोड कर लेते हैं, गेम यूज़ करते हैं, तो ये भी आपका इंटरटेनमेंट किसके थ्रू प्रोवाइड हो पा रहा है, आईटी के थ्रू प्रोवाइड हो पा रहा है। एंशियंट टाइम में क्या करते, बच्चे जो है घर के बाहर मोहल्ले में बच्चों के साथ खेलते थे, लेकिन आज के समय में बच्चे जो है घर में बैठे ही इंटरटेनमेंट एक्सेस कर पा रहे हैं। तो ये किसके थ्रू हो पाया है, आईटी के थ्रू हो पाया है, कि वो वीडियो गेम खेल रहे हैं, या फिर कई सारे चैटिंग कर रहे हैं, ठीक है, या फिर वो वीडियो देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये इंटरटेनमेंट आपको घर बैठे प्रोवाइड करा रहा है आईटी। नेक्स्ट आईटी इन कम्युनिकेशन। आईटी इन कम्युनिकेशन का मतलब अभी हम जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, वो भी किसका, कौन से टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं, आईटी का यूज़ करके ही कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो कम्युनिकेशन इज़ यूज टू कन्वे द मैसेज एंड ऑडियो पिक्चर और स्पीचेस। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, कि हम अपने मैसेज को सामने वाले को क्या कर पाए, ट्रांसमिट कर पाए, चाहे वो ऑडियो हो, पिक्चर हो, या स्पीचेस किसी के भी माध्यम से। अगर हम सपोज कोई बोल नहीं पाता है तो इमेजेस के थ्रू, या फिर वो कुछ ना कुछ क्या करता है, अपना इशारा करके भी अपना इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करता है। लेकिन वही जब हम किसी दूसरे कई सारे जो है बहुत डिस्टेंस में रहेंगे, तो हम अपने इंफॉर्मेशन को किसके थ्रू ट्रांसमिट कर सकते हैं, आईटी टेक्निक के थ्रू ट्रांसमिट कर सकते हैं। जैसे मोबाइल से कॉल करते हैं तो वो भी एक आईटी कम्युनिकेशन के अंदर ही आता है। तो मोबाइल भी हमारा किसके अंतर्गत आता है, आईटी कम्युनिकेशन, आईटी इन कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। साथ ही साथ हम जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे, किसी सॉफ्टवेयर का यूज़ करेंगे, जैसे हम अभी गूगल मीट का यूज़ कर रहे हैं, उसके थ्रू हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, तो आईटी इन कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है, क्योंकि इससे भी हम क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं वन पर्सन टू अनदर पर्सन। नेक्स्ट आईटी इन बिजनेस। बिजनेस में भी आईटी का यूज़ किया जा रहा है, जैसे कई आपने जैसे अमेजोन सुना होगा, ई कॉमर्स कंपनी, फ्लिपकार्ट सुना होगा, तो हम घर बैठे क्या कर पाते हैं, परचेस कर पाते हैं, सेल कर पाते हैं सामान वगैरह, एक समय जैसे हमको बेचना है, तो इसके थ्रू भी आप क्या कर सकते हो, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके भी हम क्या किया जा सकता है, बिजनेस को ग्रोथ किया जा सकता है। जैसे किसी कंपनी है तो वो कंपनी क्या करता है, अपना पेरोल क्रिएट करता है, कि उसके पास कितना एम्प्लॉयज़ हैं, कितना उनका सैलरी बनता है, कैलकुलेट करता है, बजट को बनाता है, कि उसके साल भर में कितना इनकम हुआ, कितना उसका क्या हुआ, उन्होंने इनकम और कितना उसका इन्वेस्ट किया है। सेल्स एनालिसिस किया जा सकता है, कि उन्होंने कितना सामान, ऐसा अगर आप देखेंगे आईटी इन बिजनेस का मतलब, तो जिसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू क्या कर पाएं, अपने बिजनेस को अगर आप ग्रोथ करते हैं, तो वो कहलाएगा आईटी इन बिजनेस। जैसे इसी के थ्रू हम क्या कर पा रहे हैं, कई सारे सामान जो है घर बैठे ऑनलाइन परचेस कर पा रहे हैं। नेक्स्ट आईटी इन साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो ये टॉपिक को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। देखो कैसे आईटी साइंस एंड इंजीनियरिंग में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल जो है अपना दिखा रहा है। जैसे अगर आप देखेंगे दो यहाँ पे सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है, कंप्यूटर कैड, कंप्यूटर एडेड डिजाइन और कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, दो सॉफ्टवेयर का यूज़ करके आज साइंटिस्ट जो है अपने टेक्नोलॉजी को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज किए हैं। कैसे, कि कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, जैसे आप घर बनवाते हैं तो घर बनाने से पहले आप क्या करते हैं, अपने घर का एक मैप बनवा लेते हैं इंजीनियर से, तो वो क्या करते हैं कैड का यूज़ करके आपके घर का एक डिज़ाइन जो है, कम स्पेस में आप अपना घर को कैसे अच्छे से अच्छा बना सकते हैं, तो वो डिज़ाइन करके आपको दे देता है। तो ये कहीं ना कहीं जो है साइंस और इंजीनियरिंग के थ्रू पॉसिबल हो पाया है, कि कल के समय में जो है हमको खुद से दिमाग लगा के घर बनाना पड़ता था,
आज इंजीनियर के थ्रू हम क्या कर पाते हैं, कम स्पेस में अच्छे से अच्छा घर बना पाते हैं। वैसी सेकंड सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। जैसे एक फैक्ट्री में जब कोई कार बनाया जाता है, एग्जांपल अगर हम कार का ले, तो कार बनाने से पहले क्या करते हैं, कार का एक डिजाइन बनाते हैं, ठीक है। तो कार का डिजाइन बनाने के लिए वो जो सॉफ्टवेयर का यूज करेगा वो करेगा कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। और एंशियंट टाइम में क्या होता था कि इंसान ह्यूमन खुद से डिजाइन बना के देखता था, तो ड्रॉ करता था, कई बार मिस्टेक हो जाता था, और मिस्टेक्स होता था तो फिर से उसको नया डिज़ाइन करना पड़ता था। लेकिन यही काम आज अगर हम कंप्यूटर के थ्रू, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर के थ्रू कर रहे हैं, तो कम समय में और इजीली और साथ ही साथ अच्छे वे में अगर हम कंप्यूटर से तो डिजाइन करेंगे, उसको विजुअल यानी हम देखने में भी क्या रहेगा, अट्रैक्टिव रहेगा, अच्छा रहेगा। तो जिससे क्या होता है, उसका पैसा भी बचेगा और साथ ही साथ क्या हो जाएगा, कम समय में डिजाइनिंग किया जा सकता है। इसके थ्रू हम 3D ऑब्जेक्ट को भी बनाया जा सकता है। कार जब डिज़ाइन करेंगे तो उसको 3D ऑब्जेक्ट अंदर से कैसे दिखेगा, बाहर से कैसे दिखेगा, जबकि हम बनाएंगे वो 2D बनता है, जबकि उसका डिजाइनिंग करेंगे वो क्या हो जाएगा, 3D बनेगा। नेक्स्ट, IT इन बैंकिंग। बैंकिंग के फील्ड में भी मैंने बताया था कि कल एंशियंट टाइम में क्या होता था, सारा काम जो है उन्होंने एक रजिस्टर मेंटेन करते थे, उसमें सारा उन्होंने डिपॉजिट कितना किया, विड्रॉल कितना किया, सारा चीज़ क्या किया जाता था, मेंटेन किया जाता था। ज़्यादा कुछ फैसिलिटी होता नहीं था बैंक में, केवल पैसा जमा कर पाते थे और निकाल पाते थे, और उससे ज़्यादा कुछ फीचर, बहुत कम फीचर्स होते थे। लेकिन जैसे ही कंप्यूटर के जो बैंकिंग के फील्ड में IT को ऐड किया गया, कंप्यूटराइज्ड किया गया, तो कंप्यूटर हम क्या कर सकते हैं, बैंकिंग को ऑनलाइन घर बैठे ही बैंकिंग कर सकते हैं, किसी को पैसा ट्रांसमिट घर बैठे कर सकते हैं, किसी कोई पैसा हमारे अकाउंट में डिपॉजिट कर सकता है, हम किसी को NFT कर सकते हैं, RTGS कर सकते हैं घर बैठे, यानी किसी को के अकाउंट में पैसा क्या कर सकते हैं, घर बैठे ट्रांसमिट कर सकते हैं। जिससे हमारा क्या होगा, अगर हम कोई बिजनेस कर रहे हैं तो हम कोई सामान हमारे पास सेंड करता है तो उसको हम घर बैठे ऑनलाइन क्या कर सकते हैं, उसके अकाउंट में पैसा ट्रांजेक्शन कर देंगे, हमको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं, जिससे हमारा टाइम भी क्या होगा, सेव होगा। नेक्स्ट, IT इंश्योरेंस सेक्टर। इंश्योरेंस सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो कई सारे पहले फ्रॉड होते थे, जब IT नहीं जुड़ा रहता था तो हम क्या करते थे कि हम कई सारे सेक्टर में हम पैसा इन्वेस्ट करते थे, और जब मैच्योरिटी हो जाता था, यानी हम सपोज़ हम कहीं बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, किसी इंश्योरेंस सेक्टर में पैसा जमा कर रहे हैं और किसी एजेंट के थ्रू किए हैं, तो 5 साल बाद हमको पैसा रिटर्न करना है, तो वो एजेंट जो रहता था वो क्या करता था, खुद रख लेता था या कुछ पैसा रख के आपको देता था, तो जिससे क्या होता था, हमको पूरा बेनिफिट नहीं मिल पाता था। तो इंश्योरेंस सेक्टर में IT आने से क्या हो गया कि हमारा अकाउंट नंबर लिंक होता है, जैसे ही डेट कंप्लीट होता है ऑटोमेटिक हमारे अकाउंट में पैसा ट्रांसमिट हो जाता है, जिससे क्या हो गया, पार्शियलिटी जो होता था वो क्या हो गया, ख़त्म हो गया, और हमारे सामने क्या हो गया, वो जो हमको जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो डायरेक्ट बेनिफिट हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है। फिर उसके बाद मार्केटिंग, IT इन मार्केटिंग। मार्केटिंग के फील्ड में भी अगर आप देखेंगे कि जो मार्केटिंग जो किया जा रहा है उसमें एडवर्टाइजमेंट जो है आज बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल करता है, तो IT के थ्रू क्या किया जा सकता है कि इसको कि इसका एडवर्टाइजमेंट आपके सामने आपको दिखाया जाएगा, जिससे आपको क्या लगेगा, अगर एडवर्टाइजमेंट आपको अच्छा लगता है तो आप उस मार्केटिंग या उस बिजनेस से प्रोडक्ट को क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। जैसे आप TV में देखते होंगे कि फेयर एंड लवली का एडवर्टाइजमेंट आता है, अगर वो एडवर्टाइजमेंट नहीं आता तो हम फेयर एंड लवली के बारे में जानते नहीं, तो कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है, IT के थ्रू हमको मार्केटिंग शो किया जा रहा है और हमको वो प्रोडक्ट अच्छा लग रहा है तो हम उसका क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो मार्केटिंग को भी क्या किया जा रहा है, IT के थ्रू ग्रोथ किया जा रहा है। नेक्स्ट, IT इन हेल्थ केयर। यहाँ पे डिफरेंट हेल्थ केयर की बात किया गया है कि एंशियंट टाइम में क्या होता था कि डॉक्टर के पास जाते थे, कोई बीमारी रहता था तो वो क्या करता था, उसके पास चेक करने के लिए उतना सारा इक्विपमेंट होता नहीं था, तो हमको कई सारे महीने तो हमको वो क्या करता रहता था, नए नए मेडिसिन दे के ट्राई करते रहता था, क्योंकि हमको जो इंटरनल पार्ट्स के बारे में उनको नॉलेज उतना जल्दी हो नहीं पाता था, ठीक है, क्योंकि उनके पास चेक करने वाला मशीन उतने ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं होते थे, तो ये सारे चीज़ को चेक करने में बहुत ज़्यादा टाइम और कई सारे लोगों का इसमें क्या हो जाता था, डेथ भी हो जाता था, क्योंकि सही अगर उसके बीमारी के बारे में पता ना चले तो ट्रीटमेंट करना भी क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल हो जाएगा। जैसे अभी कोरोना वायरस हुआ है, अगर बीमारी पता ना चले तो इलाज कहाँ से कर पाएंगे, तो पहले क्या किया जाता है, उसको सिम्टम्स को आइडेंटिफाई किया जाता है कि आपके अंदर
उसको क्या किया जाएगा, कौन सा डिसीज है, कौन सा बीमारी है, उसको पहले आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो वो किसके थ्रू किया जाता है, कई सारे डिवाइसेस के थ्रू किया जाता है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि किसी ह्यूमन के ब्रेन के बारे में पता लगाना है, तो ब्रेन के इंटरनल पार्ट्स को क्या किया जाएगा, मशीन के थ्रू चेक किया जाएगा। और यही चीज़ अगर एंशियंट टाइम में होता था तो कई सारे डिसीज जो है ठीक भी नहीं हो पाता था, क्योंकि पता ही नहीं चल पाता था बीमारी क्या है। तो आज कई सारे मशीन आ गए हैं, जैसे हैं ECG आ गया है, EEG आ गया है, अल्ट्रासाउंड आ गया है, CT स्कैन आ गया है। ऐसे अगर कई सारे डिवाइसेस के थ्रू क्या किया जा सकता है, इंसान के इंटरनल पार्ट्स के बारे में जानकारी लिया जा सकता है। साथ ही साथ आज जो सर्जरी किया जा रहा है वो भी जो है मशीन के थ्रू या IT इंडस्ट्रीज के जो कंप्यूटराइज्ड किया जा रहा है, जिससे जो है मिस्टेक होने के चांसेस क्या हो गए, कम से कम हो गए। तो देखते हैं कौन कौन से डिवाइसेस हैं और कौन कौन से डिवाइसेस से क्या क्या स्कैन किया जाता है ह्यूमन बॉडी के, और उसको कैसे डायग्नोसिस किया जाता है। तो सबसे पहला डिवाइसेस दिया है ICT इन डायग्नोसिस, यानी ह्यूमन बॉडी में जो प्रॉब्लम है उसको डायग्नोसिस करने के लिए कौन कौन सा डिवाइसेस यूज़ किया जाता है। तो कई सारे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ह्यूमन बॉडी पार्ट्स के जो डिसीज है उसको क्या किया जा रहा है, पता लगाया जा रहा है। और इसको पता लगाने वाला इंसान नहीं, कई सारे डिवाइसेस हैं, कई सारे मशीन हैं, तो ये भी जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू ही पॉसिबल हो पाया। तो फर्स्ट मशीन के बारे में बात करेंगे हम, कंप्यूटराइज्ड एक्सिस टोमोग्राफी मशीन। इससे क्या होता है, ह्यूमन के बॉडी पार्ट्स का 3D यानी तीनों दिशा से क्या लिया जाता है, 3 डायरेक्शन से उसके इमेजेस लिया जाता है। जैसे अगर हार्ट की बात करें तो हार्ट का अगर हमारा फ्रंट सही है, ठीक है, तो फ्रंट से एक इमेज लिया जाएगा, फिर उसके अलावा बैक साइड से लिया जाएगा, एक राइट से लिया जाएगा। तो ऐसे करके 3 डायरेक्शन से इमेज क्या कर सकते हैं, लिया जाता है, जिससे क्या हो जाता है कि उस बॉडी पार्ट्स के बारे में जानना इजी हो जाता है। और कोई किसी भी डायरेक्शन में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसको इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं MRI। MRI का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मशीन। MRI मशीन आपने देखा होगा कि MRI मशीन क्या करता है कि ह्यूमन के बॉडी पार्ट से रिलेटेड जो है इंटरनल पार्ट से या ऑर्गन के बारे में क्या करता है, एक रेडियो वेव सेंड करता है। और रेडियो वेव क्या करता है, उन बॉडी पार्ट्स के बाद जाके एक सिग्नल जनरेट करता है। और सिग्नल से क्या पता चलता है कि बॉडी पार्ट्स का क्या कंडीशन है उसके बारे में पता लगाया जाता है, और बाद में इसी के बेसिस में जो है इलाज किया जाता है। तो MRI भी एक क्या है, मशीन है, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं नेक्स्ट ECG। ECG का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी मशीन, ठीक है। तो ये क्या करता है, दिस मशीन इज यूज्ड फॉर मॉनिटर द हार्ट बीट। हार्ट बीट आपने देखा होगा, जो ICU में एडमिट रहता है उसको एक मॉनिटर शो होता है, जैसे यहाँ पे शो हो रहा है। तो हार्ट बीट शो करता है कि ऑक्सीजन का लेवल 100 होना चाहिए, तो उसका लेवल कितना है, कि सपोज एक लेवल से कम हो जाता है तो उसको क्या दिया जाता है, वेंटिलेटर में, या फिर उसको ऑक्सीजन दिया जाता है। तो ECG मशीन के थ्रू क्या किया जाता है, हार्ट के पंप में या उसके ब्लड प्रेशर को क्या किया जाता है, मेजर किया जाता है। नेक्स्ट कार्डियक स्क्रीन मशीन। कार्डियक का मतलब होता है हार्ट, तो यह क्या करता है, हार्ट के मूवमेंट को क्या करेगा, दिखाएगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद आते हैं EEG इलेक्ट्रो इंसलोफिलोग्राफी मशीन। अब ये क्या करता है, ECG जो रहता है, EEG मशीन बोला जाता है, ये ब्रेन से रिलेटेड, यानी ब्रेन के मूवमेंट को आपको यहाँ पे देखेंगे ऐसा रिपोर्ट जनरेट होता है। लास्ट में जब होता है, जब EEG जब किया जाएगा तो लास्ट में एक ऐसा रिपोर्ट जनरेट होता है जिसको देख के पता चल जाता है कि ब्रेन से में कहाँ पे कौन सा प्रॉब्लम है। तो जो न्यूरोसर्जन रहते हैं या फिर ब्रेन से रिलेटेड जो डॉक्टर रहते हैं वो इसको इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि ब्रेन का आपका सिचुएशन कैसे है, सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं ब्लड प्रेशर टेस्टिंग मशीन। ब्लड प्रेशर को भी टेस्टिंग करने का मशीन आता है आजकल, तो उसको भी जनरल पर्पज़ कई सारे ह्यूमन भी अपने घर में या फिर अपने घर में भी यूज़ कर सकते हैं, डॉक्टर ही नहीं, कई सारे मशीन जो है बहुत ईजी या फिर चीप रेट में मिलते हैं, तो जिसको वो घर में भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ब्लड प्रेशर, यहाँ पे एक शुगर टेस्टिंग मशीन शो हो रहा है यहाँ पे, जिनको शुगर रहता है वो परचेस करके अपने घर में भी यूज़ करते हैं। इससे क्या करते हैं कि ह्यूमन के फिंगर से ब्लड के कुछ सैंपल कुछ बूंद यहाँ से निकाला जाता है और उसके बाद ये मशीन के पास ले जाया जाता है, तो ये टेस्ट करके बताता है कि आपके ब्लड में शुगर का लेवल कितना है।
नेक्स्ट ब्लड ब्लड प्रेशर मशीन, ब्लड को के प्रेशर को चेक करने के लिए ब्लड प्रेशर मशीन आजकल जो है आप जो वॉच पहनते हैं उसमें भी आता है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर को मेजर किया जा सकता है। फिर उसके बाद लास्ट हमें पढ़ते हैं आईटी इन गवर्नमेंट एंड पब्लिक सर्विस। गवर्नमेंट और पब्लिक सर्विसेज में भी आज जो है किसका यूज़ किया जा रहा है, आईटी का यूज़ किया जा रहा है। जैसे पुराने समय में क्या होता था, सारा काम जो है वो ई गवर्नेंस के थ्रू ना हो के सारा काम जो है पेन एंड पेपर से किया जाता था। प्रॉब्लम ये होता था कई लोग जो है कई बार बेनिफिट ले पाते थे गवर्नमेंट के पॉलिसीज का, और कई लोग एक बार भी बेनिफिट नहीं ले पाते थे। तो इसलिए क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने जितना भी काम है सारे को ई गवर्नेंस कर दिया। यानी आपको जो बेनिफिट मिलेगा गवर्नमेंट के थ्रू वो क्या होगा, आपके अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफ़र होगा। आपको आधार कार्ड से ऐड कर दिया गया है, तो कोई भी यूज़र अगर सेकंड टाइम बेनिफिट लेना चाहेगा गवर्नमेंट पॉलिसीज का तो वहीं पे क्या हो जाएगा, वो रोक दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड करना है, ठीक है, आपको अपने घर का वाटर का बिल पेड करना है, तो आप क्या कर सकते हैं ऑनलाइन या फिर गवर्नमेंट को आप ऑनलाइन पेड कर सकते हैं, जिससे क्या हो जाएगा डायरेक्ट बेनिफिट गवर्नमेंट के पास भी जा रहा है। इनकम टैक्स पटाना है तो वो भी आप डायरेक्ट पेड करते हैं। पुराने समय में आपको क्या करना पड़ता था, किसी एजेंट के थ्रू पेड करना पड़ता था, उसको भी पैसा देना पड़ता था, गवर्नमेंट को पैसा कम जाता था। अभी जो है गवर्नमेंट को डायरेक्ट बेनिफिट जा रहा है और ह्यूमन को भी डायरेक्ट बेनिफिट मिल पा रहा है। तो इससे गवर्नमेंट की सर्विसेज और पब्लिक सर्विस क्या हो गया, ज़्यादा बेटर हो पाया है। ठीक है, तो जैसे आप देखते होंगे वोटिंग मशीन भी आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वो भी एक ई गवर्नेंस का ही एग्जांपल है। कि एंशियंट टाइम में जो है आपको क्या किया जाता था, पेपर के थ्रू जो है वोटिंग होता था, वैलेट पेपर के थ्रू, तो उसमें जो है वोटिंग करने में प्रॉब्लम आ जाता था, कई बार मिस्टेक हो जाता था। लेकिन अभी जो है वही इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के थ्रू किया जा रहा है, तो परफेक्ट वे में किया जा रहा है और मिस्टेक होने के चांसेस क्या हो गए, कम से कम हो गए हैं। तो इस प्रकार से आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन को आपको करना है।